नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। मिथुन राशि, 26 जून से 30 जून 2022 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कई राजयोग में, कई धन योग में विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा इन 5 दिनों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वाली जातकों के लिए 26 जून से लेकर 30 जून 2022 तक का समय कैसे रहेगा, आपका व्यापार कैसे रहेगा, करियर कैसी रहेगी, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एजुकेशन लव लाइफ कैसी रहने वाली है, शिक्षा कैसी रहेगी, विदेश की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति, कारोबार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, दुकान की स्थिति कैसी रहेगी, प्रत्येक पहलुओं के बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मिथुन राशि के जातकों दिन की शुरुआत करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरुआत होगी और अंत आषाढ़ शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से होगी और चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करेंगे, मिथुन राशि में जाएंगे। फिर 30 जून को 5:15 बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि चंद्रमा आपके 12वें भाव पे, आपके स्वयं के लग्न पर राशि पे और आपके दूसरे भाव पे गोचर करेंगे। सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव चूँकि इस समय मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो इन 5 दिनों में मिथुन राशि में ही रहेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी वृषभ राशि में वक्रगत अवस्था में चल रहे हैं, मंगलदेव मीन राशि में, और ये 27 को प्रातः इनका राशि परिवर्तन भी होगा मेष राशि पे। गुरुदेव मीन राशि में रहेंगे और शनिदेव वक्रगत अवस्था में चल रहे हैं, ये कुंभ राशि में, और राहु मेष में, केतु तुला राशि में। शुक्रदेव की बात करें तो ये वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और बुध और शुक्र की युति बनी हुई है इन 5 दिनों में। तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी स्थितियाँ। अभी इन्हीं के आधार पर जानेंगे मिथुन राशि के जातकों की आपके लिए वह कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो 26 जून से लेकर 30 जून 2022 तक का समय में मिलने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर और बिजनेस व्यापार कारोबार की। तो देखिए मिथुन राशि के जातकों, व्यापार में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, नए कारोबार की स्थापना कर सकते हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, नौकरी में आपको मनचाही जगह पर आपको लाभ देखने को मिलेगा, अच्छे लाभ के योग बनेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आपको यानी कि शिक्षा हो या फिर आपकी नौकरी हो, कई क्षेत्रों से विशेष लाभ होगा। जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का आज मौका मिलेगा। आज आप अपने करियर में काफ़ी व्यस्त दिखाई देंगे। आज कामकाज के मामले में आपको तरक्की मिलेगी, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती है और आपको पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाना भी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों, 26 जून से लेकर 30 जून आपको कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल सकता है और अपने पेरेंट की जो प्रसन्नता है वो भी मिल पाएगी। आपके घर में बहुत बड़ी अच्छी सराहना हो सकती है आपके कामकाज की, और ऐसा अगर आप करते हैं किसी की नई जवाबदारी के चलते आपके ज़्यादा गंभीरता से काम करना होगा, आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम करें और सफलता के साथ तारीफ भी मिल सकती है। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है और आप इसके लिए तैयार भी रहना होगा, और नौकरी में प्रमोशन भी होगा, नौकरी में आपको स्थानांतरण होगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। बिजनेस व्यापार में मिथुन राशि को मनचाही जगह पर सफलता प्राप्त होगी, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी तो बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। पुराने मित्रों से, पुराने साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। समय के साथ बदलाव काफ़ी हद तक आ रहा है, लाभदायक स्थितियाँ बन रही है, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा हो सकता है, यानी कि कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, सिर्फ उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। अगर आप ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपको इन 5 दिनों में विशेष लाभ होगा। अगर आप जॉब में परिवर्तन चाहते हैं तो देखिए उसको भी देखने को मिलेगा, और करियर में फोकस बनाए रखिएगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी और व्यापार में भी विशेष लाभ होगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन भागदौड़ बनी रहेगी। काफ़ी समय से जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो आज यानी कि आपको इन 5 दिनों में सफलता प्राप्त होगी और खासकर विशेष लाभ होगा। विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, विदेश यानी कि आपको 26 जून के दिन ही विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न पर तो यहां पर भी विशेष लाभ होगा, और 30 जून को चंद्रमा आपके यानी कि दूसरे भाव पर गोचर कर जाएंगे तो यहाँ से भी आपको पैतृक संपत्ति धन में लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, भागदौड़ बनी रहेगी, साझेदारी में कोई कारोबार चला रहे हैं तो विशेष लाभ होगा, साझेदारी में उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं।
तो महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेंगे, महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, आपके कारोबार के यानी कि कई प्रकार की महत्वपूर्ण जवाबदारी आपकी बढ़ेंगी, लेकिन इसका आप बखूबी तरह से आप निभाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और मिथुन राशि के जातकों में भागदौड़ तो बनी रहेगी, लेकिन बैंक से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लोन वगैरह मंजूर होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति वित्तीय मामलों में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, हर कार्य में वृद्धि होगी, जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। लाभ की स्थितियाँ बनी रहेंगी, लगातार आपके प्रयास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। कुछ अच्छे कारोबार की स्थापना करेंगे, कुछ अच्छे कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती है, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी, लाभ की स्थितियाँ बनी रहेंगी, व्यापार में लगातार वृद्धि होगी, घर परिवार के लिए ज़्यादा समय देंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बरसेंगी और घर में शुभ मंगलकार होंगे, धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कथावार्ता हो सकती है, वैवाहिक जातकों के नए रिश्ते आ सकते हैं, चर्चाएँ हो सकती हैं, साथ ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी, जीवन साथी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, जीवन साथी के साथ आपसी मतभेद खत्म होंगे, जीवन साथी के साथ काफ़ी मधुर संबंध बने रहेंगे, जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी जमेगी और एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा, जिससे आपके बीच का जो तनाव है वो खत्म होगा। तो आपसी यानी कि स्थितियाँ काफ़ी बेहतर होगी, हर प्रकार से लाभ भी मिलेगा और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से भी आप बड़े से बड़े कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी से संतान की प्राप्ति होगी, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। और यहाँ पर देखा जाए तो 26 जून से लेकर और 30 जून तक का जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काबिले तारीफ रहेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जो झेल रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। हालांकि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य 26-27 को जरूर देखना है, बाकी चीज़ें बेहतर होगी, भागदौड़ बनी रहेगी। और मिथुन राशि के जातकों, ये भागदौड़ आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, कार्यों में वृद्धि होगी, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ सकते हैं और अपने लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट उपहार देंगे, धन की स्थिति मौजूद रहेगी, कारोबार में इतनी लाभ होगा, बड़े बिजनेस व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं और एक्सपर्ट से सलाह लें तभी कर गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी और विदेश में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का मौका मिलेगा, विदेश जाने के लिए सपने साकार होंगे, कुछ अच्छे कार्य होंगे। अगर उपाय की बात करें तो देखिए, आपको शनि देव को यानी कि शनिदेव को मंदिर हो तो सरसों का तेल चढ़ाइए, या फिर आप मिथुन राशि के तो निश्चित तौर पे आप इस विशेष सफलता की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, गाय को हरी घास में एक रोटी थोड़ा सा उसमें हरी मूंग डाल के खिलाएं तो विशेष लाभ होगा। तो ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 26 जून से लेकर 30 जून 2024 तक का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।